हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी, जो भी डिफरेंशिएशन था उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और जैसे आपको पता है कि हम ये जो कंटेंट है वो आपके लिए यूट्यूब पर फ्री लेके आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में नेक्स्ट अपने पास में जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर को देखिए। डिफरेंशिएशन की अपन ने बात करी थी पिछले लेक्चर में, यदि आपने नहीं देखा हो तो पिछला लेक्चर जरूर देख ले एक बार। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक बेसिक मैथमेटिक्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर अपन ने एंगल और ट्रिग्नोमेट्री पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने डिफरेंशिएशन, इसका इंट्रोडक्शन अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए, डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसके लिए होता है, केवल और केवल फंक्शनल जो क्वांटिटी होती है, जो फंक्शन होता है केवल उसी के लिए लागू होती है। फंक्शन मतलब देखिए, y फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ कि y फंक्शन है किसका, x का, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स जब जब x चेंज होगा तब तब क्या चेंज होगा, y चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए अपने ने क्या देखा था, ग्राफ बनाया था आर्बिट्री, और उससे समझा था अपन ने कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसको अपन कैसे दिखाते हैं बेटा, dy वाई अपॉन डी एक्स, इसको किससे दिखाते हैं अपन, dy वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है कि नहीं। तो y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सबके लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, अलग अलग। कैसे होगा, देखिए फर्स्ट एक स्टैंडर्ड में फॉर्मूले की यदि अपन बात करूँ, तो देखिए y बराबर, यदि मैं मान लेता हूँ x की पावर n, y बराबर क्या मान लेता हूँ, x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं करूँगा तो क्या आएगा, देखिए डी एक्स की पावर n डी एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है कि नहीं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन बात करें y बराबर x की पावर 2, इसकी अपन बात करें तो, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करिए आप, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी एक्स 2 अपॉन डी एक्स, क्या जाएगा बेटा, देखिए n की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आएगा n n माइनस वन, टू एक्स 2 माइनस वन, तो क्या आ जाएगा बेटा 2x। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा बेटा 2x, ठीक है कि नहीं। देखिए अगला, देखिए y बराबर यदि मैं कर लेता हूँ बेटा x की पावर 5, ठीक है कि नहीं। y बराबर क्या कर लेता हूँ, x की पावर 5, तो क्या आएगा मेरे पास में, dy वाई अपॉन डी एक्स, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो क्या आएगा डी एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा बेटा, देखिए n n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी है 5, 5x 5 माइनस वन, तो क्या आ जाएगा बेटा 5x 4, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया नॉर्मल। इसके अलावा यदि अपन बात करें, देखो y की वैल्यू यदि क्या हो, इसी प्रकार यदि मान लो 2 के लिए हो तो कॉन्स्टेंट के लिए 0 होता है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यदि y बराबर मैं कर देता हूँ बेटा 5, ठीक है कि नहीं, तो क्या आएगा d 5 अपॉन dx, क्या आएगा बेटा 0, क्यों आएगा, हमेशा ध्यान रखिए बेटा कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है वो समय के साथ में या फिर दूरी के साथ में या किसी के साथ भी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है। तो देखिए अपने पास में क्या आ गया ये। अगला देखिए, यदि y बराबर देखिए u प्लस माइनस v, इसका मतलब u भी वेरिएबल हो और v भी वेरिएबल हो, तो जो फॉर्मूला अपने पास में आता है वो क्या आता है, ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला है बेटा, क्या आएगा देखिए d u प्लस माइनस v अपॉन डी एक्स, तो क्या आ जाएगा देखिए बेटा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब दो हो तो, ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका यदि अपने को डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा d अपॉन डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो क्या कर लो इसको, देखिए u प्लस v के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, इसको क्या आएगा d एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, क्या आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो और माइनस है तो माइनस लगा दो, क्या आएगा d एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, तो कितना आ जाएगा देखिए बेटा n n माइनस वन, तो n की वैल्यू 2, 2x 2 माइनस वन प्लस यहाँ कितनी है n की वैल्यू 3, तो 3x 3 माइनस वन, तो अपने पास में क्या आ जाएगा देखो 2x प्लस 3x, ये आगे बात समझ में। तो ये हो गया अपने पास में यदि डबल वेरिएबल क्वांटिटी हो तो, यदि तीन बार हो तो, यदि थ्री टाइम्स यदि हो तो वेरिएबल क्वांटिटी, तो क्या करेंगे देखिए, इफ यदि y बराबर, तीसरा फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो y बराबर u प्लस माइनस v प्लस माइनस u w,
ठीक है कि नहीं, ये हो मतलब थ्री टाइम्स यदि वेरिएबल क्वांटिटी अपने पास में हो तो क्या आएगा, देखिए d अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो क्या आएगा देखिए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, आगे बात समझ में, ये अपने पास में आता है ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है कि नहीं। तो थ्री टाइम्स वेरिएबल क्वांटिटी अपने पास में आ गई तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा वाई बराबर है ये अपने पास में, तो क्या डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, ठीक है कि नहीं, अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स। ध्यान से समझते जाइए, समझ जाओगे आराम से। देखिए तो इसको कैसे लिखोगे, यू वी और डब्ल्यू की फॉर्म में लिखो इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा डी, प्लस है तो प्लस ही लगाओ, डी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस डी एक्स की पावर 4 अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा देखिए बेटा एन एन माइनस वन टू एक्स टू माइनस वन प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस वन प्लस फोर एक्स फोर माइनस वन, तो क्या आ जाएगा देखिए बेटा 2x प्लस 3x2 प्लस 4x3, ये इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो अपन उनको इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं सोल्व। कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देखिए, अब एक अलग फॉर्मूला और देख लीजिए फोर्थ नंबर का। यदि मान के चलो सी यू, सी यू मतलब सी अपने पास में कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ जाए और यू क्या आ जाए वेरिएबल क्वांटिटी आ जाए, सी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड यू इज वेरिएबल क्वांटिटी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, वाई बराबर तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा डी सी यू अपॉन डी एक्स, क्या आएगा बेटा सी, देखो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को आप बाहर ले लीजिए और क्या कर लो डी यू अपॉन डी एक्स, ये ठीक है कि नहीं, ये अपने पास में फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो देखिए फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, तो क्या आएगा देखिए वाई बराबर तो क्या आ जाएगा डी फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, सी की वैल्यू कितनी है 5 और एक्स स्क्वायर में एन की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आएगा देखिए 5 डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला था उसी के वे में हो गया अपने पास में, तो क्या आएगा 5 इंटू टू एक्स टू माइनस वन, तो कितना आ जाएगा 10x, अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा 10x, तो ये अपने पास में फॉर्मूला। इसी को इसी वे को आगे करते हैं अपन, देखिए आगे यदि आपके पास में यदि क्या आ जाए, देखिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ठीक है कि नहीं, ये u प्लस v के अंदर आ गया लेकिन साथ में क्या है c और u दोनों आ गए इसमें, ठीक है कि नहीं, तो क्या आएगा देखिए y बराबर तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा d 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब अपॉन डी एक्स, ठीक है कि नहीं, तो c u की फॉर्म में आ गया, तो देखिए 4 डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा 5 डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, तो कितना आ जाएगा देखिए बेटा 4 n की वैल्यू कितनी है 2x 2 माइनस 1 प्लस 5 3x 3 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है ये, तो अपने पास में क्या आ गया देखिए बेटा यहाँ पर 8x 1 प्लस कितना आ जाएगा 15x स्क्वायर। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं क्वांटिटीज को, अपन क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं बेटा इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि वाई बराबर क्या हो बेटा रूट एक्स हो, वाई बराबर अपने पास में क्या आ गया रूट एक्स, यदि इसका डिफरेंशिएशन यदि अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले आप क्या करो इसको सिंप्लीफाई करो, वाई बराबर आप क्या लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ, आप क्या लिख सकते हो वाई बराबर एक्स की पावर हाफ, ठीक है, तो क्या आएगा देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा डी एक्स की पावर हाफ अपॉन डी एक्स, ठीक है कि नहीं, तो देखिए एन एन माइनस वन तो एन की वैल्यू कितनी है हाफ, तो कितना आ जाएगा हाफ एक्स हाफ माइनस वन, तो क्या आ जाएगा देखिए बेटा एक बटा दो एक्स, ये कितना है हाफ है, हाफ में से माइनस वन गया तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ, तो या तो ये आंसर फाइंड आउट करो आप, या तो ये आंसर होगा इसका या फिर क्या होगा वन बाई टू, और इसको देखिए नीचे लिख लीजिए एक बार, नीचे राइट डाउन करोगे तो क्या आएगा ये, तो इसको आप आंसर क्या दे सकते हो इसका टू रूट एक्स,
आगे बात समझ में, तो ये अपने पास में एग्जाम्पल थे इसके, ठीक है। अगला एग्जाम्पल वो देखिए फॉर्मूला, यदि वाई बराबर यू डॉट वी की फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, यदि y बराबर क्या जाए u डॉट v के में, तो देखिए क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है कि नहीं। देखिए देखिए क्या आ जाएगा, d बराबर u डॉट v बराबर क्या आ जाएगा डी एक्स, तो क्या आएगा देखिए यहां पर डी यू अपॉन डी एक्स प्लस इसका जो फॉर्मूला आएगा, देखिए अपने पास में दो वेरिएबल क्वांटिटी और वो दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, यह ध्यान से समझिए बेटा। यू और वी जो है अपने पास में दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, और अपने को क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल है, इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो क्या करना पड़ेगा देखिए, एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो कैसे करोगे, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। देखिए एक बार मैंने जो इसका डिफरेंशिएशन किया है, वो एक बार v का डिफरेंशिएशन किया और दूसरी बार u का डिफरेंशिएशन मैंने किया है, ठीक है कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो देखिए बेटा, देखिए y बराबर कितना आ जाए यदि अपने पास में x स्क्वायर डॉट x क्यूब, ठीक है कि नहीं, ये अपने पास में आ गया, तो करे क्या, देखिए इसको u मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं बेटा मैं, v मान लेता हूं, तो करेंगे कैसे देखिए बेटा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करो, देखो u कितना है, x स्क्वायर डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस v कितना है बेटा x क्यूब, u कितना है बेटा x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर, देखिए इसका कितना आएगा एन एन माइनस वन, तो कितना है थ्री एक्स का स्क्वायर, क्योंकि थ्री माइनस वन, या तो यहां पर कर लो एक स्टेप बढ़ा दो, थ्री माइनस वन प्लस एक्स क्यूब एज इट इज रहने दो, क्या कर लो बेटा टू एक्स टू माइनस वन, तो क्या आएगा देखिए एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई टू एक्स, तो कितना आ जाएगा देखिए यहां पर थ्री एक्स फोर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर टू एक्स फोर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड कर दीजिए, एक्स की फोर कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, और कॉमन लेके आप देखिए एक्स की घात फोर कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद में थ्री और टू बचेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर फोर, ये इसका मतलब, इसका जो तो डिफ्रेंशिएशन अपने पास में आएगा वो कितना आएगा बेटा फाइव एक्स की पावर फोर, ठीक है कि नहीं, तो ये अपने पास में इसका आ जाएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देखिए y बराबर एक्स रूट एक्स, यदि इसको यदि अपन डिफ्रेंशिएट करें, यदि अपन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे करेंगे, u डॉट v, देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा x डॉट x 1 बाई टू, ठीक है कि नहीं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये u आ गया, ये अपने पास में v आ गया, तो क्या आएगा देखिए d x डॉट x हाफ अपॉन डी एक्स, एक बार इसका कर दीजिए एक बार इसका कर दीजिए, तो क्या करोगे देखिए एक्स डी x हाफ अपॉन डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा x हाफ कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा d x अपॉन डी एक्स, तो देखिए करिए इसको x क्या आ जाएगा बेटा, ये n की वैल्यू कितनी है हाफ, तो हाफ x n माइनस वन हाफ माइनस वन प्लस x हाफ, और इसका क्या आएगा देखो कुछ नहीं, इसका मतलब वन है, तो n की वैल्यू कितनी है वन, x वन माइनस वन, तो देखो कितना आ जाएगा x, ये हाफ है ही सही, कितना आ जाएगा देखिए x माइनस हाफ, आधे में से माइनस फर्स्ट हाफ में से माइनस वन गया तो माइनस हाफ, प्लस क्या आ जाएगा देखिए x हाफ, कितना आ जाएगा x की पावर, देखो क्या आ जाएगा जीरो, x की पावर जीरो आएगा तो क्या आएगा बेटा वन, तो यहां पर क्या आ जाएगा वन, देखिए क्या आ जाएगा, या कर दो बेटा हाफ, देखो एक्स वन है और ये कितना है माइनस वन, तो आपको पता है जब भी पावर मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होती है बेटा ऐड होती है, तो यहां पर ऐड में तो पहले ही माइनस दे रखा है, तो माइनस प्लस क्या आ गया
एक्स हाफ, तो देखिए कितना आ जाएगा हाफ, और ये कितना आ जाएगा एक्स हाफ, क्योंकि मन में वन माइनस हाफ करोगे तो ये आएगा, और एक्स हाफ, एक्स हाफ कॉमन ले लीजिए आप, क्या आएगा वन बाई टू प्लस वन, तो कितना आएगा थ्री बाई टू एक्स हाफ, ठीक है अग्नि। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो कितना जाएगा थ्री बाई टू एक्स, ये आगे बात समझ में, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है अग्नि। ये तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, अपने को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है अग्नि। अगला देखिए, अगले यदि अपन बात करें डिवाइडेशन की, तो वाई बराबर क्या आएगा, देखिए अगला देखिए, तो y डिवाइडेशन की यदि अपन बात करें तो y बराबर अपने पास में क्या आ गया u अपॉन v, ठीक है कि नहीं, u वेरिएबल v वेरिएबल, तो अपने को क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा d dx किसके सापेक्ष u अपॉन v, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा बेटा वो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आप u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, v को कॉन्स्टेंट ले लीजिए, उसके बाद में v का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए और u को कॉन्स्टेंट ले लीजिए, कैसे देखिए v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो क्या आएगा v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका, देखिए यदि x स्क्वायर अपॉन x क्यूब हो, यदि y बराबर क्या हो, y बराबर x स्क्वायर अपॉन x क्यूब हो, इसका अपने को क्या करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे बेटा, देखिए dy अपॉन dx क्या कर लोगे, y की जगह वैल्यू पुट अप करिए x स्क्वायर x क्यूब अपॉन dx, ठीक है कि नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करिए, देखिए नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, देखिए y बराबर अपने पास में आया बेटा x स्क्वायर अपॉन x क्यूब, ठीक है कि नहीं, तो देखिए d x स्क्वायर x क्यूब अपॉन dx, ठीक है कि नहीं, तो देखिए मैं क्या करता हूँ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करता हूँ, ये क्या है u, ये क्या है v, तो पहले u का कर दीजिए फिर v का कर दीजिए, तो v बाहर ले लीजिए x क्यूब d x स्क्वायर अपॉन dx माइनस, ठीक है क्या आ जाएगा बेटा v का कर लीजिए फिर u का कर दीजिए, देखिए u बाहर ले लीजिए x स्क्वायर d x क्यूब अपॉन dx अपॉन क्या जाएगा v स्क्वायर, v स्क्वायर कितना है x क्यूब अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, तो अपने पास में क्या आएगा देखिए बेटा आगे एक्स क्यूब एज इट इज रहने दीजिए, इसको करिए n n माइनस वन, तो n कितना है टू, और x टू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा n थ्री एक्स थ्री माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगा देखिए x की पावर सिक्स, तो आगे देखिए बेटा अपने पास में क्या आएगा, ये करिए आप यहाँ पर एक्स क्यूब और टू एक्स माइनस कितना आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा x सिक्स, देखिए क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2x4 माइनस कितना आ जाएगा 3x4 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा x की पावर 6, तो अपने पास में क्या आ जाएगा देखिए माइनस x स्क्वायर x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, x की पावर 4 आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 2 माइनस 3 अपॉन x की पावर 6 उड़ा दीजिए बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, तो देखिए अपने पास में कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, तो अपने पास में देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन आया अपने पास में वो कितना है बेटा ये वाला है, ठीक है कि नहीं, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आगे बात समझ में, तो अपन क्या कर सकते हैं ऐसे अपन देखिए हर तरीके का अपन ने डिफरेंशिएशन देख लिया, चाहे एडिशन का हो, एडिशन के अंदर भी अपन ने एक तरीके से दूसरे तरीके से तीसरे तरीके, मतलब यदि एक क्वांटिटी हो दो हो तीन हो, ठीक है कि नहीं, यू यू प्लस वी प्लस माइनस हो सकता है, यू प्लस माइनस वी और प्लस माइनस डब्ल्यू, ये तीनों वाले केस देख लिए, इसके अलावा कॉन्स्टेंट का देख लिया, इसके अलावा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अपने पास में आता है n n माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला अपने देख लिया, तो ये अपने पास में इस तरीके से क्या होते हैं डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ बेटा इसमें, देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, यदि वाई बराबर यदि अपन क्या करें बेटा टू एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर, इसकी यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, ये अपने को दिया हुआ है, तो अपने पास में देखिए u कितना आ जाएगा v कितना है ये, ठीक है कि नहीं, तो आप करते जाइए इनको, देखिए अपने पास में क्या है फॉर्मूला क्या है बेटा d अपॉन डी एक्स, ये कितना दे रखा है बेटा देखिए 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, तो करिए बेटा यहाँ पर देखिए सबसे पहले u का कर दीजिए, तो 3x प्लस 4 d कितना आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3 अपॉन डी एक्स माइनस v, अब v का कर दीजिए बेटा 2x प्लस 3 कॉमन रह जाएगा
डी कितना जाएगा बेटा, 3x प्लस 4 अपॉन डी एक्स अपॉन क्या आएगा बेटा, वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर कितना है 3x प्लस 4 का। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यहां पर इसका स्क्वायर करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हो, आंसर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है बेटा ये तो कि आंसर आपको किस फॉर्म में दिया गया है। वैसे करते नहीं है अपन यहाँ पर, ऐसे जैसे रहता है वैसे कि वैसे इसको रहने देते हैं अपन, ठीक है नहीं? देखिए तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए बेटा 3x प्लस 4 इसका कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए 2x प्लस 3 का अलग से करके देख लो एक बार, डी 2x प्लस 3 यहाँ पर करके बता रहा हूँ मैं बेटा, देखिए 2x का 2 बार ले लो dx अपॉन dx, और ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का क्या जाएगा बेटा 0, तो कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक है कि नहीं, 2 माइनस कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 3 अपॉन क्या जाएगा अपने पास में 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा क्या आएगा अपने पास में आगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6x प्लस 8 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 9 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा 6x से 6x जुड़ा दीजिए क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये तो ये अपने पास में क्या आ गए u अपॉन v टाइप के अपने पास में क्या आ गए डिफरेंशिएशन आ गए, ठीक है। अब आगे कुछ स्पेशल मैं केस बता देता हूँ आपको जिसके अंदर पूछा जाता है, देखिए कुछ स्पेशल एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो, कुछ स्पेशल एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो, ठीक है कि नहीं। जैसे देखते जाइए बेटा, जैसे मान के चलो अपने को क्या दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अपने को दे दिया गया है y बराबर अपने को क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अपने को इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या करना है dy अपॉन dx क्या आ जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा dx, ठीक है कि नहीं। देखिए तो अपने पास में देखो क्या करना है यहाँ पर बेटा, ध्यान से समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो u प्लस v की फॉर्म में अपन इसको बना सकते हैं कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी इसके बाद में तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो या तो आप इसको क्या करो u डॉट v वाले से सोल्व करो मान लो, लेकिन 3 आ गए तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है 3 आ रहा है तो 3 टाइम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे लिखोगे तो फिर बड़ा जो कैलकुलेशन है इसकी बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इजी नहीं होगा ये, ठीक है। तो अपन इसका क्या करें एक अल्टरनेट निकालते हैं, अल्टरनेट क्या निकाल रहे हैं देखिए बड़े ध्यान से समझते जाइए बेटा, देखो अल्टरनेट क्या है बेटा इसका, देखिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक नंबर मान लेता हूँ पूरी को, ठीक है कि नहीं। इसको मैं क्या मान लेता हूँ मान लो ए मान लो बी मान लो एक्स मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है कि नहीं। तो देखो तो एक बार मैं इस बाहर वाले का करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे अपन, एन की वैल्यू यहाँ पर मैं कितनी मान लेता हूँ 2, ठीक है कि नहीं। एन की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ मैं 2, ठीक है कि नहीं। तो क्या करूँगा 2x स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है कि। दूसरा पार्ट अपने पास में देखो कौन सा आएगा इसका, दूसरा पार्ट आएगा ये अंदर वाला, ठीक है कि नहीं। क्योंकि एक बार तो अपन ने ऊपर वाले का कर दिया कोष्टक वाले का कर दिया, अब बाहर ब्रैकेट वाले का करने के बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा अंदर वाले का और करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले का कर ही दिया इसका करो तो क्या आएगा देखिए 2x अपने पास में क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि 1 क्या है कॉन्स्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका 2x, तो देखिए कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और कितना आ जाएगा 1 इंटू 2x, अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा 4x x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है नहीं? आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो और यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। देखिए कुछ स्पेशल एग्जांपल में अगला देखिए, वाई बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यदि आपके पास में आ गया तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो देखिए इसी को क्या कर लो बेटा आगे ले लो आप, देखिए वाई बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस 2, ठीक है कि नहीं। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई की वैल्यू कितनी एक्स माइनस 2 अपॉन कितना आएगा डी एक्स, तो माइनस में तो देखो एन की वैल्यू कितनी माइनस 2, तो माइनस 2 एक्स माइनस 2 माइनस 1 एन एन माइनस 1 हो गया तो एन ये आ गया एन माइनस 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस 2 एक्स की पावर क्यूब, ये अपने पास में आ जाएगा,
ठीक है कि नहीं। ऐसे देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मान के चलो इसके लिए करने की बात करें तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अगला एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए ठीक है कि नहीं। तो वाई बराबर, तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ, ठीक है। तो ये वाला ही सेम क्वेश्चन हो गया, देखिए ये वाला ही सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर पावर कितनी थी टू और यहाँ पर पावर कितनी है हाफ, तो देखिए कर लीजिए उसी प्रॉपर वे में, देखिए डी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हाफ आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं, करिए हाफ आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और हाफ माइनस वन, एन माइनस वन और क्या आ जाएगा, देखिए बेटा इस अंदर वाले का करिए आप, अंदर वाले का क्या आ जाएगा बेटा टू एक्स, तो देखिए अपने पास में टू से टू उड़ा दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और कितना आ जाएगा माइनस हाफ, तो इसको क्या कर सकते हो बेटा आप, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का हाफ, तो देखिए अंदर वन अपॉन क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन आएगा बेटा अपने पास में, वो क्या आ जाएगा ये। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये आप जैसे हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, हमने आपको बता भी दिया कि 1 जून से अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, तो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए थे अपन ने, इंपॉर्टेंट वो अपन ने करवा दिए। अगला देखिए भाई, अगला ये डिफरेंशिएशन का टाइप, ये अपन देखिए बेटा, देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर अब अपन बात करते हैं किसका बेटा, टी रेशियोज का। डिफरेंशिएशन में किसकी बात करते हैं बेटा, टी रेशियोज की, इसकी बात करेंगे अपन टी रेशियो। टी रेशियोज में मतलब देखिए, वाई बराबर अपने पास में यदि क्या आ जाए बेटा, साइन एक्स आ जाए, यदि वाई बराबर अपने पास में क्या आ जाए, कोस एक्स आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो एक बार इनका देखते हैं, तो यदि मैं क्या करता हूं बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो मेरे पास इसकी यदि बात करें अपन डिफरेंशिएशन की, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है क्या आएगा बेटा, इसका कोस एक्स, इसका क्या आ जाएगा कोस एक्स। बात करें बेटा इसकी तो क्या आएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, डी कोस एक्स अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए बेटा, ये तो इजी है, मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इसी टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। या तो साइन एक्स का करवाते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके पास में क्या करवा लेते हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन आप करवा लेते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, लेक्चर बढ़ते जाएंगे, तो अपन आगे पढ़ेंगे SHM वगैरह, रोटेशनल मोशन वगैरह, तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है अपने से, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ अपन बात कर लेंगे इनकी, ठीक है। देखिए यहाँ अपन आगे बात करें तो देखिए, वाई बराबर यदि अपन बात करें किसकी, साइन हो गया कोसेक एक्स की, यदि अपन बात करें बेटा किसकी बात करें अपन, कोसेक एक्स की, ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं अपन, आप याद भी रख सकते हो और क्या कर सकते हो, इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है कि नहीं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अपने को पता है कोस एक जो एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन साइन एक्स के बराबर होता है बेटा, वो कैसा होता है, वन अपॉन साइन एक्स के बराबर होता है। तो अपने यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। कैसे देखिए, यू बराबर क्या है, वन, और साइन एक्स बराबर क्या है, वी है, तो देखिए क्या आ जाएगा डी, यहां पर देखिए पहले साइन एक्स रखिए, पहले साइन एक्स डी वन अपॉन डी एक्स माइनस क्या आ जाएगा बेटा, वन डी साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, और वी क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बोलो यही है कि नहीं। तो क्या आएगा देखिए, साइन एक्स का एज इट इज ये रह जाएगा, और इसका क्या आएगा बेटा डी एक्स का जीरो, माइनस क्या आ जाएगा वन, और साइन एक्स का क्या आएगा बेटा कोस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं। तो ये तो पूरा जीरो हो गया अपने पास में, क्या बच गया बेटा, माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा बेटा कोट एक्स, ये कितना आ जाएगा कोट एक्स। तो देखिए बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, यदि क्या कर ले अपन, डी कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में फॉर्मूला, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं कोट एक्स, और ये क्या आ जाएगा बेटा देखो वन अपॉन साइन एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोसेक एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं
कोसेक एक्स, तो माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है अग्नि? ऐसे ही अपन कर सकते हैं। देखिए यदि अपन ऐसे यदि बात करें वाई बराबर सेक एक्स की, किसकी बात करें बेटा? सेक एक्स की। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखिए अपने पास में डी सेक एक्स डी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा अपने पास में वो क्या आएगा? देखिए सेक एक्स टेन एक्स, क्या आएगा बेटा? सेक एक्स टेन एक्स, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है अग्नि? तो ऐसे अपने पास में तरीके के फॉर्मूले अपन क्या कर सकते हैं, आप इनको याद भी कर सकते हो और फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, डेराइव भी कर सकते हो। देखिए बेटा एक अपन टेन थीटा का निकाल के देखते हैं। देखिए यदि अपन बात करें बेटा किसका, टेन एक्स की यदि अपन बात करें, ठीक है अग्नि? यदि वाई बराबर टेन एक्स दे रखा हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यदि अपन बात करें डी टेन एक्स अपॉन बात करें बेटा क्या, डी एक्स, तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, टेन एक्स को, देखिए टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से समझते जाइए। देखिए टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स कोस एक्स, तो ये किसके से कर सकते हैं अपन, यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे, पहले क्या कर लीजिए, यू का कर लीजिए, तो वी क्या है देखिए, कोस एक्स कॉमन रह जाएगा, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस, अब साइन एक्स को ले लीजिए आप और कोस एक्स का क्या कर दीजिए आप, डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर एक्स। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, कोस एक्स और साइन का क्या आएगा बेटा, कोस एक्स, ठीक है कि नहीं? माइनस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर अपने पास में, साइन एक्स, ठीक है कि नहीं? और ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास में, कोस स्क्वायर एक्स। देखिए बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या होती है बेटा वैल्यू, यदि आप शुरू से लेक्चर यदि देख रहे हो तो आपको पता होगा ये होता है वन, वन अपॉन होता है बेटा कोस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही यदि अपन बात कर ले बेटा किसके लिए, वाई बराबर यदि आपको क्या दे रखा हो, कोट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आप क्या करोगे, डी कोट एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं? तो ये अपने पास में क्या आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आ जाएंगे बेटा, ये किसके लिए आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अपन ने कौन सा देख लिया, साइन कोस टेन और इसके अलावा कोसेक सेक और कोट एक्स का, इनके लिए अपन ने क्या देख लिया, डिफरेंशिएशन। वैसे जनरली पूछा नहीं जाता, साइन और कोस का पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? एक और देखिए, दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन और देख लीजिए बेटा। देखिए यदि y बराबर अपने को क्या दिया हुआ हो, log e x दिया हुआ हो, यदि y बराबर अपने पास में क्या दिया हुआ हो, log e x दिया हुआ हो, या फिर अपने को दिया हुआ हो y बराबर क्या दिया हो, x की पावर e की पावर x दिया हुआ हो, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं? उसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो अपन कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, d log ex अपॉन डी एक्स, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, वन अपॉन एक्स। इसके लिए यदि अपन बात करें dy वाई अपॉन डी एक्स व डी ई एक्स अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, dx, तो y बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, dy वाई अपॉन डी एक्स, यह आ जाएगा बेटा ex, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ex का ex ही होगा और log ex का अपने पास में क्या होगा बेटा, ये बोलो बात समझ में आएगी नहीं? एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं? तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से समझते जाइए, यदि y बराबर मान लो आपको दे दिया जाए, साइन x दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए, cos x दे दिया जाए, ठीक है कि नहीं? तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा देखिए, d साइन x प्लस cos x अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, dx, तो देखिए क्या आ जाएगा, वो u प्लस v वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या आ जाएगा, d साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, डी कोस एक्स अपॉन डी एक्स, तो देखिए इसका क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, साइन एक्स का कोस एक्स, इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन अपने पास में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगला एग्जाम्पल देखिए, अगले एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, तो देखिए यदि बात करें अपन साइन एक्स कोस एक्स की, किसकी बात करें अपन, साइन एक्स कोस एक्स की, एज इट इज वहां जैसे किया था यहाँ भी कर लीजिए, यू डॉट वी, यू डॉट वी, तो देखिए एक बार साइन एक्स ले लीजिए, साइन डी कोस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा,
कोस एक्स को बाहर ले लीजिए, डी साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, डी एक्स। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, कोस एक्स, इसका क्या आएगा बेटा, कोस एक्स। तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये अपने पास में इसका क्या आ जाएगा बेटा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, आगे देखिए बेटा, यदि आपको y बराबर दे दिया जाए, देखिए log e साइन x, ठीक है कि नहीं, x की जगह क्या दे दिया, साइन x, तो क्या आएगा, dy वाई अपॉन डी एक्स, देखिए बेटा d log e साइन x अपॉन क्या जाएगा, dx, देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, log e का क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन x, x की जगह क्या है बेटा, साइन x, और आपको इसका भी तो करना है, साइन x का क्या करोगे बेटा, कोस एक्स। तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, कोट एक्स। ठीक है कि नहीं, तो ये अपने पास में क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो गया। अलग अलग तरीके के अपने टी रेशियोज के डिफरेंशिएशन भी देख लिए, और जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसके अंदर एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, सबके अपन ने क्या देख लिए, फॉर्मूले देख लिए, और उनके एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है कि नहीं, अगला यदि अपन बात करें तो अपने पास में आता है बेटा डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है कि नहीं, बड़े ध्यान से समझते जाइए, छोटा सा टॉपिक है। देखिए बात किसकी करें बेटा अपन, डबल डिफरेंशिएशन की। डबल डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखिए y बराबर मैं क्या ले रहा हूं बेटा, x क्यूब, y बराबर मैं क्या ले रहा हूं, x क्यूब। एक बार यदि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx, और दोबारा भी यदि मैं क्या करूंगा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx। ठीक है कि नहीं, तो डबल डिफरेंशिएशन को अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ये किसको बताएगा बेटा, डबल डिफरेंशिएशन को। ठीक है, करना कैसे है देखिए बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स करिए एक बार के लिए, तो क्या करोगे, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, क्या करोगे, एन एन माइनस वन, एन कितना है, थ्री एक्स थ्री माइनस वन, तो कितना आ जाएगा बेटा, थ्री एक्स टू। एक बार फिर वापस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, देखो थ्री सी यू वाला फॉर्मूला ऐड हो जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, थ्री डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, कितना आ जाएगा बेटा, थ्री एन एन माइनस वन, तो टू एक्स टू माइनस वन, कितना आ जाएगा बेटा, सिक्स। तो इसको बोलते हैं बेटा अपन डबल डिफरेंशिएशन। आगे बात समझ में, आगे देखिए बेटा, एक और करवा देता हूँ मैं, वाई बराबर यदि आपको दे दिया टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये आपको दे दिया गया, और बता दिया बेटा सब डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इसका मतलब ये बता रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन आपको इसका करना है। ठीक है कि नहीं, तो क्या करोगे, देखिए बेटा d अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो क्या आएगा, देखिए बेटा फोर एक्स, ये अपने बता लिया बेटा, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, फोर एक्स प्लस टू। ठीक है कि नहीं, अब वापस इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह मैं रख देता हूँ फोर एक्स प्लस टू, तो इसका जो डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और इस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है बेटा, जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन अपने पास में क्या आता है, जीरो। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, फोर। ऐसे देखिए अपन यदि टी रेशियोज की यदि अपन बात करें, यदि टी रेशियोज के डबल डिफरेंशिएशन की यदि अपन बात करें, देखिए साइन एक्स की यदि अपन बात करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का निकालिए आप, और दूसरा यदि अपन बात करें वाई बराबर कोस एक्स, इसका भी क्या निकालिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए, तो क्या करोगे, देखिए बेटा एक बार करिए, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या आएगा बेटा, कोस एक्स। अब कोस एक्स का वापस करिए, डी कोस एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा माइनस साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, ये। आगे यदि बात करें, देखिए वाई बराबर कोस, तो एक बात तो करिए, डी कोस एक्स अपॉन डी एक्स क्या जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है कि नहीं। एक बार फिर वापस करिए, d माइनस साइन एक्स अपॉन क्या जाएगा बेटा, डी एक्स। अब माइनस को बाहर ले लीजिए, क्या आ जाएगा, d साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तो माइनस तो एजिटी छोड़िए, और साइन एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा बेटा, कोस एक्स। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है कि, देखिए एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद में अपन खत्म करेंगे इस डिफरेंशिएशन को। देखिए यदि अपने पास में क्या हो बेटा, साइन
ए एक्स प्लस बी हो, यदि अपने पास में क्या हो बेटा साइन ए एक्स प्लस बी हो, तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को कैसे करना है। तो देखिए ये y बराबर अपने को दे रखा है, तो d अपॉन डी एक्स अपन कैसे लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। तो क्या आएगा बेटा देखिए मेरे पास में, इसका कर लीजिए एक बार, तो पूरे का कर लीजिए, अपने पास में क्या आएगा देखिए, कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है कि नहीं, मल्टीप्लाई इस अंदर वाले का करना पड़ेगा बेटा अब अपने को, किसका करना पड़ेगा इस अंदर वाले का अपने को करना पड़ेगा। तो इसका क्या करोगे बेटा, ए एक्स और बी है, बी कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा केवल ए आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा देखिए, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करना चाहो तो आप आगे कर सकते हो इसको, बाकी यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। एक बार मैं बता देता हूँ डबल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना है, देखिए डी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ए कोस, ठीक है कि नहीं, ए एक्स प्लस बी, ये देखिए आप ए बाहर ले लीजिए यहाँ पर क्योंकि होना नहीं है, मल्टीप्लाई इसका कोस एक्स का करिए आप, तो क्या आएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और एक्स का फिर वापस करिए तो क्या आएगा ए, तो अपने पास में जो लास्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है कि नहीं। तो ये लेक्चर था अपना डिफरेंशिएशन के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन नहीं करी है तो ज्वाइन कर लीजिए आप, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डाले गए हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, ठीक है। बाकी लेक्चर में अपन कंटिन्यू रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को लेकर, ठीक है कि नहीं, बड़ा अच्छा टॉपिक है इंटीग्रेशन, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बहुत सारी डेरिवेशन आती है, और इसके अलावा भी अपन यदि कोई क्वेश्चन करते हैं उसके बेस पे, तो वहाँ पे भी ग्राफिकल जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी काम में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो अपना लेक्चर रहने वाला है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।